कृष्णा कराटे कप 2018 में शिरकत करने आई हमारे साथ इस वक्त बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सोनाली राउत जी हैं। सोनाली राउत मैम, आपने यहाँ पे इस प्लेयर्स को इंस्पायर किया है और उनको सरप्राइज दिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फील कर रही हैं और इनके लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? जी, जो श्री गजानन लीला चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो एक पहलू दिखाया है एक कराटे के तरफ, और ना कि सिर्फ क्रिकेट के तरफ लगाव रखना और डिफरेंट स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। और मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत लोग हैं और यहाँ पे लोग यू नो स्पोर्ट्स को एनकरेज कर रहे हैं। लोग जो ना कि सिर्फ शहर से बल्कि गांव से भी लोगों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आके स्पोर्ट्स एज अ एक्टिविटी चूज़ कर ले। और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि इतने लोग जुड़े हैं और इतना लोगों को मौका मिल रहा है बॉम्बे आके अपना टैलेंट दिखाने का, और यहाँ से आई एम श्योर जो विनर्स हैं वो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेंगे। सो बिग चीयर टू एवरीवन। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि दूसरे स्पोर्ट्स की बात की करें तो क्रिकेट वगैरह को बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग तवज्जो देते हैं, तो दूसरी तरफ कराटे का जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कराटे को बॉलीवुड को भी और सपोर्ट करना चाहिए? जी, कराटे बॉलीवुड में तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, जो आई थिंक टाइगर श्रॉफ है वो काफ़ी एमएमए और कराटे, आई थिंक मिक्स मार्शल आर्ट, मैं खुद मिक्स मार्शल आर्ट्स करती हूँ, तो जो एमएमए है और जो कराटे है वो इट्स लाइक मतलब दो स्पोर्ट्स को मतलब एनी फिजिकल एक्टिविटी में बोल सकती हूँ, कराटे को मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स और कराटे में ये नहीं बोलूँगी दो एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट चीज़ है, बट आई एम हैप्पी कि अभी कराटे को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है अपने कंट्री में। सो या, और बॉलीवुड में आई एम श्योर अगर जिसे इंटरेस्ट है वो करेंगे। चलते आपसे आखिरी सवाल, यहाँ पे लड़कियों को जो है सेल्फ डिफेंस के भी टिप्स दिए गए हैं, तो भारत की जितनी भी बेटियाँ हैं उनको लिए मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए आत्मरक्षा के क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये जो ट्रस्ट है, जो गजानन लीला चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने सिर्फ लड़कों को ही नहीं लेकिन लड़कियों को भी मौका दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी सारी लड़कियाँ हैं जो कराटे में इंटरेस्ट ले रही है और आई थिंक अपने आप को डिफेंस मतलब सेल्फ डिफेंस करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि आपको भी पता है कि महिलाओं के तरफ अभी बहुत इश्यूज हो रहे हैं अपने देश में और अभी मी टू मूवमेंट भी बहुत बड़ा चल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही है और इस स्पोर्ट्स को अभी एज अ चैलेंज वो ले रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा लगा, बहुत लिमिटेड टाइम पे इतना ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन सबकी मदद से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अधिकारी और उनके पदाधिकारी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, और जो हमारे एसोसिएशन हैं, एकेडमी हैं, उनके पदाधिकारियों ने भी बहुत मेहनत किया, हमारे गजानन लीला चैरिटेबल ट्रस्ट के यादव साहब और पवार साहब ने बहुत मेहनत किया,
और मेरे को लगा बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है हमारी तरफ से, इतना एफर्ट्स करने के बाद बहुत बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है। आज यहाँ अंधेरी के विभाग में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11 और 12 नवंबर को जो जो कराटे का इंटरनेशनल जो कराटे का स्पोर्ट या बीके पवार और जादव साहब और उनके जो सहकारी ने आयोजित किया, या प्राइम मिनिस्टर खेलो इंडिया अंतर्गत ये जो पूरा इंडिया में खेलने के लिए माननीय पंत प्रधान जो अपने देश के लिए जवानों के लिए एक अपना बॉडी फिटनेस के लिए एक अच्छा खेलो इंडिया नारा लगाया है, और उसी नारे के हिसाब से यहाँ बीके पवार और जादव साहब ने यह जो प्रोग्राम आयोजित किया है, यह प्रोग्राम इंटरनेशनल कराटे प्रोग्राम है ही है, लेकिन यहाँ स्पेशल यहाँ कि विकलांग लोगों के लिए ये स्पेशल यहाँ अपना गेम हो रहा है कराटे के लिए, और यह गेम इतना अच्छा तरीके से इन्होंने आयोजित किया है, इसीलिए यह जो हमारा परिवार है, हमारा जो दत्ता शोभा परिवार है, हमारा जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जो ग्रुप है, उनके तरफ से हार्दिक अभिनंदन।